साहब ये बड़ी उम्र के लिए कोई वजीफा है क्या? डर हो रहा लोगों को, 60 साल के उन्होंने नमाज जनाजा में खड़े हुए, 45 का बच्चा चले गया, तो 60 साल वालों को हैबत हो रही, 55 साल के बच्चे चले जा रहे हैं, 80 साल के बूढ़े खड़े हैं, हैबत हो रही है। तो अब उन दोनों को देख के इन्हें 30 साल का बच्चा पूछ रहा, मुल साहब उम्र बढ़ाने का कोई वजीफा है क्या? मैं बोला ये वजीफा है मगर डॉक्टर का नहीं मिलता। उम्र बढ़ाने का एक वजीफा है, आपकी उम्र बड़ी होंगी, खुदा की कसम अल्लाह के घर में मेहराब में बैठ के बोल रहा हूं, जिसको बड़ी उम्र तक जीना है फ्री में आज वजीफा लेके जाओ। जरा बोलो जी, वही आमिल साहब अगर 3000 रुपए लेके दिए तो अहमियत रहती थी, मौलाना फ्री में दे रहे, फ्री में वजीफा लेके जाओ। ये वजीफा डॉक्टर का नहीं मिलता, वकील का नहीं मिलता, एडवोकेट का नहीं मिलता, ये वजीफा जो है कोई जज नहीं दे सकता, ये वजीफा कोई हॉस्पिटल वाला, ये लाइफ इंश्योरेंस ये नहीं दे सकता। मगर मेरे प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों सुनो, ये वजीफा तो मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है, सरकारों के सरदार ने दिया है, शहनशाहों के शाह ने दिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा इखलास के साथ आजिजी का पैकर बन के खुशू व खुजू के नमाज पढ़ता है तो उस पर अल्लाह की तीन खास नेमतें उतारी जाती है, नमाजी बंदे पर तीन खास नेमतें उतारी जाती है। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह वो तीन खास नेमतें क्या है? मेरे आका अर्ज करते हैं सुन लो, पहली नेमत ये है कि उसकी उम्र दराज कर दी जाती है, उसकी उम्र दराज कर दी जाती है। इसलिए नमाज पढ़ने वालों को अक्सर देख लो, हार्ट अटैक भी नहीं आता, कैंसर का मर्ज भी नहीं होता, शुगर बीपी बिल्कुल हमेशा नॉर्मल रहता, गुर्दों के मसले खराब नहीं होते, परेशानियां मुसीबत रंजो अलम आफात तो बलायातिन को नहीं घेरती। क्यों? ये जब सजदा करते हैं अल्लाह बलाओं से कहता है खबरदार मेरे बंदे के करीब नहीं आना, मेरे जाकिर के करीब नहीं आना, ये मेरा साजिद बंदा है इसके करीब ना आना, ये मेरा राके रुकू करने वाला बंदा है इसके करीब ना आना। बल्कि अल्लाह नमाजी को ये पोजीशन दे देता है, नमाज पढ़ के घर में जाता है तो घर की बलाएं भी भाग जाती है। हुजूर फरमाते नमाजी पर अल्लाह के तीन इनाम है, पहला इनाम उसकी उम्र दराज कर दी जाती है, दूसरा इनाम उसके कारोबार में खैर बरकत अता कर दी जाती है। कांटियां लगाने से कारोबार में खैर बरकत नहीं होती, जो जो मुस्कुराए मन को देख लिया, कांटियां लगाने से खैर बरकत नहीं होती, नियारे लगाने से खैर बरकत नहीं होती, खैर बरकत सेठ गल्ला छोड़ के आके नमाज पढ़े तो होती। नमाज पढ़ने से खैर बरकत है मेरे भाई, हम लोग गलत रूट इख्तियार कर लिए। ये हमारे कौन हमारे को समझाए नहीं मालूम, कौन लोग हमारे को ये मसले बताए नहीं मालूम, हम लोग ये समझे खैर बरकत आमिल साहब का नहीं मिलती, आमिल साहब का नहीं अगर खैर बरकत रहती तो हमारे से पैसे कहीं को लेते थे, उनकी खैर बरकत हमारे ऊपर डिपेंड हो गई। और अल्लाह कह रहा है बंदो तुम्हारी खैर बरकत मेरी इबादत में रखी हुई है। हुजूर फरमाते हैं कारोबार से खैर बरकत नहीं ली जाती उसके जो नमाजी होता है, जो पांच वक्त का नमाजी आजिजी के साथ खुशू व खुजू के साथ दरबार इलाही में हाजिर होकर नमाज के नजराने अपने रब को पेश करता है उसको खैर बरकत होती है कारोबार में। फिर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तीसरी चीज, अल्लाह उसको मोहताज बनने से महफूज फरमा देता है। वो कभी किसी के सामने भीख मांग लेते नहीं फिरता, कर्जे मांग लेते नहीं फिरता, भाई जरा हेल्प करो, भाई जरा मदद करो, मुसीबत का वक्त है साथ आओ, परेशान है आओ, आओ नहीं कहता। आज एक बाप के घर में चार बेटियां बहरे बैठी हुई हैं, ब्याह जान परेशान है, चार बच्चियां हैं, चार बच्चियां हैं, चार बच्चियां हैं। मैं ऐसे सैकड़ों जईफ लोगों को बताता हूं जिनके घर में 10-10 बेटियां बैठी थी, परेशान नहीं हुए, मसले छाल पूरे हो गए, पूरों के शादियां भी हो गए, पूरों के दामाद भी आ रहे, माशाल्लाह घर खानदान चल रहा है। पर क्या बात है, उनका ने चार है उन्होंने परेशान है, इनका ने 10 है उन्होंने परेशान नहीं। तो बोले पता है सिर्फ इतना ही है जवाब इसका, ये नमाजी है वो नमाजी नहीं है, इतना ही बस।